पूरा पेपर के आधार पर मैंने इस पेपर को तैयार किया डीजल मैकेनिक वालों को, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप कंटिन्यू ये मॉक टेस्ट चाहते हो 25 प्रश्न का, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के लिए, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को वहाँ से पुरानी वीडियो को देखकर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। इसके बहुत से गवाह हैं 2023 के। ठीक है, अगर आप अपने अच्छा करना चाहते हो, किसी की बातों में ना आए, प्रीवियस वीडियो बनी हुई हैं उनको फॉलो करें। तो ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या हो, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो विद इन सेकेंड में आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। और आपके जो भी यार दोस्त चाहने वाले हों, क्लोज हों, उनके ग्रुप में या उनके पास जरूर शेयर कर देना। ठीक है, और अपने आप से दिल पे हाथ रखना है, अपने आप से 75 में से आपका कितना स्कोर होता है, इससे ये पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो और दिन रात एक कर दो, ठीक है, अगर तैयारी अच्छे से नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, और वीडियो ख़राब हो अच्छी हो वो भी हमें बताना है। एक क्वेश्चन आपको आखिरी में देंगे, उसका हमें कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मैकेनिक डीजल वालों के लिए थ्योरी केस में 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसके बाद इंजीनियर ड्राइंग, फिर उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटीज के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए सारा कुछ लिखा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा रासायनिक खतरा है, शोर, विस्फोटक, कंपन, विकिरण? चलिए कमेंट करिए फटाफट, एक नंबर का। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, कितने लोग इसका सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए 50-50 दे देता हूँ, ए या फिर बी, शोर या विस्फोटक। तो राइट ऑप्शन, काफ़ी ऐसे हमारे ट्रेनी हैं अच्छे प्यारे प्यारे, वो बी ऑप्शन लगा रहे हैं। बी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया, मैं डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, हो सकता है ये 7 अगस्त को आपकी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो जल्दी से, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने का कवर करती है, सामान्य सुरक्षा जो पर्सनल सेफ्टी होती है उसको, या मशीन से सुरक्षा, या फिर व्यवसाय सुरक्षा? चलिए कमेंट करिए फटाफट जल्दी से सभी साथी, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही, जो भी साथी लगा रहे हमारे पर्सनल सेफ्टी, बी ऑप्शन वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। कमेंट करते चलिए जल्दी जल्दी, बहुत ही बढ़िया हुंदा तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत शानदार। ऐसे ही आखिरी तक इस वीडियो को देखना है, अगर छोड़ के जाना है तो अभी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हम बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है, रोग, वर्तमान रिसाव, गैर पंजीकृत मशीनरी, या फिर मशीनरी गलत लेआउट? चलिए फटाफट कमेंट करिए जल्दी से सभी साथी, कमेंट करेंगे 5 नंबर का, बहुत ही बढ़िया तरीके से 5 का काफ़ी साथी लगा रहे हैं, गैर पंजीकृत मशीन। क्या ये आंसर सही है, जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर वाले जितने भी हमारे ट्रेनी हैं प्यारे प्यारे, वो सी आंसर लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही लगा रहे हो आप लोग। चलिए, जैविक खतरा कौन सा है, बहुत ही बढ़िया, 2023 में भर भर के पूछा गया था ये क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो। चलिए कमेंट करिए फटाफट, सी संक्रमण इन्फेक्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी इसका सी लगा रहे हैं, सी वाले हमारे सभी साथी सही हैं। ठीक है, चलिए सी वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है, पुराना वेयरिंग, कागज के रैपर, इस्तेमाल किया स्नेहक, पुराना वार्सर, बोल्ट्स और नट्स? चलिए कमेंट करिए,
कितने लोग इसका सही आंसर लगाएंगे, देखते हैं, देखते हैं भाई कितने लोग इसका। तो इस्तेमाल किया गया स्नेक यानी कि यूज्ड लुब्रिकेंट इज द राइट आंसर सी। बहुत बढ़िया, देखो दो चार लोग आंसर दे रहे हैं यार, गलत बात है, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, मानव का जो स्वास्थ्य है वो किसके लिए हानिकारक, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन है? ऑक्सीजन है, बताइए। ऑक्सीजन तो हमारे लिए लाभदायक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम क्या मर जाएंगे। जलवाष्प मतलब वाटर ऐसे जलवाष्प मतलब जो भाप, वो भी हमारे लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए थोड़ा बहुत हमारे लिए लाभदायक, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीला होता है, जो कि हमारे लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है, इसलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डी वाले हमारे जितने भी प्यारे प्यारे ट्रेनी हैं, डी वाले सही हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए ट्रेनी आगे चलते हैं। ओहो भाई साहब, हमें एक बार कह दूं, डायग्राम से संबंधित एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, 8 क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में, हर शिफ्ट में 7 या 8 क्वेश्चन आपको डायग्राम से मिलेंगे, क्योंकि वो नंबर को कम करने के लिए, और जिसको आता होगा वो आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएगा। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को इसको बताना, इसको क्या कहते हैं, चलिए बताइए। टोपी, ताला, भंडार या फिर स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा, लॉ, बी ऑप्शन इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए बी वाले सभी साथी ऐसे हैं जो बी लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर के किलोमीटर एविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। पूरा मैंने पेपर के आधार पर सेट किया है इसको, बताइए किस सामग्री को, पीतल या ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, कार्बन, कार्बाइड, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो कार्बाइड एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कार्बाइड यानी कि कार्बेट है, बी ऑप्शन नहीं, बी गलत हो जाएगा। पीतल कहाँ से हो जाएगा, जब मैं बोल रहा हूँ डी ऑप्शन, तो उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो, डी ऑप्शन करिए कमेंट में। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब लो, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता 2019 से आ रहा है और 2023 तक पूछा जा रहा है, और इससे संबंधित इतने क्वेश्चन आते हैं, तो कैलिपर वर्नियर पर आपको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। तो इस वाले भाग को बताने से क्या कहते हैं, निहाई ढांचा धुरा नोक, इसको क्या कहेंगे। तो बिल्कुल साथी जो भी हमारे लगा रहे हैं, बी ऑप्शन, ढांचा फ्रेम होता है, तो बी ऑप्शन वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, सबको मालूम है इसका आंसर। चलिए जैसा डिस्कस होगा मैं करता रहूँगा, ठीक है। देखो डायग्राम का फिर आ गया, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना है, इस वाले भाग को इसे क्या कहते हैं, धुरा, सवार या प्लंजर, जूते को केंद्रित करना, फिक्स एंड विल इंसर्ट, जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए देखो, एक लोगों ने, अर्जित ने इसका आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, जूतों को केंद्रित करना, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन जो है 28, मैं पूरा बता रहा हूं आपको, लिख लीजिए, देख लीजिए, 28 अगस्त को और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और कौन से शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, जो 11 बजे स्टार्ट हुई थी उसमें यह क्वेश्चन आया था। मेरे एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे, पूरा पेज, क्योंकि जब मैं सेंटर पे जाता हूँ वहाँ पर कॉपी रख देता हूँ, तो उसमें डेट लिख देता हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछे गए, बच्चे सारे लिख देते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन मैं फिर करवा देता हूँ तुरंत एग्ज़ाम के बाद। तो आप लोग भी ऐसा ही करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो पहले मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए ये तो हो गया। हाँ, टेलीस्कोपिक गेज का किस लिए मतलब है? अच्छा, ये क्वेश्चन हुआ नहीं अभी। टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? देखो, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया है, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। माइक्रोमीटर के बाहर, ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो फिर आगे डायग्राम का, मैं बोला भर भर के, और नहीं तो मैं ऐसा करूँगा, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जितने भी डायग्राम हमारे पीडीएफ में हैं, क्यों ना मैं वीडियो बना दूँ आपके लिए, टेंशन खत्म हो जाएगी। बता देना आप लोग कमेंट करके, ठीक है। चलिए, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना, इसे क्या कहते हैं? निहाई, दबाना, सवार यानी हम कहें प्लंजर, या फिर स्टिम यानी तना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लैम्प। क्या हो जाएगा? क्लैम्प इज द राइट आंसर, दबाना। गेज का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी, 2024 का आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखना है, इग्नोर करना ही नहीं इस क्वेश्चन को। गेज का नाम क्या है? फिलर गेज, स्नब गेज, टेलीस्कोपिक गेज, प्लग प्रमापक, कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। क्या स्नैप गेज है? देखते हैं कितने लोग ए के पक्ष में रहते हैं, कितने लोग बी के पक्ष में रहते हैं। चलिए कमेंट करिए। फिलर गेज के पक्ष में ज़्यादा जा रहे हैं भाई साहब, तो फिलर गेज क्या सही है? बिल्कुल इज़ द राइट आंसर, दिस इज क्वेश्चन इज आंसर इज राइट। बहुत ही तरीके से आप लोग, चलिए क्या बात है, मेरे शेर, मेरे जावाज, मेरे दिलेर, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? सफ़ेद दोना, हल्का नीला, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज। ला बताओ, तो कॉपर सल्फेट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी लगा रहे हैं सी, बिल्कुल सही लगा रहे हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्सर का नाम बताना है, ये वार्सर जो है इसके ऊपर, वो कौन सा वार्सर है? प्लेन वार्सर, टैब वार्सर, स्प्रिंग वाला वार्सर, थ्रेड ब्लॉक, लॉक वार्सर, कौन सा है? चलिए फटाफट कमेंट करिए, 107 का जल्दी से कमेंट करेंगे जितने भी लोग हैं ईमानदारी से। 107 का बी ऑप्शन लगा रहे हैं, टैब वार्सर। क्या ये सही है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो भी साथी इसका लगा रहे हैं बी। चलिए, काउंटर सिंह पेंच का नाम क्या है? ये देख सकते हो एक डायग्राम, ये आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है ये। चलिए बताइए, स्लॉटेड काउंटर सिंह सिर पेंच, या फिर उठाया काउंटर सिंह सिर पेंच, काउंटर सिर सिंह सिर पेंच, उठाया काउंटर सिंह सिर पेंच। 111 नंबर का कमेंट करिए। स्लॉटेड काउंटर सिंक सिर पेंच इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा। ए वाले जो भी हमारे साथी हैं, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, मशीन पेंच सिर का प्रकार क्या है? ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, इसको बताना है। कलाड़ी का ऊपरी भाग, गोल सिर, चीज हेड, उठाया पनीर सिर यानी कि रिज्ड चीज हेड, बताइए। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। 114 का, भाई यार कम कैसे हो गए यार आप लोग, गलत बात है ना, हम इतनी मेहनत से आप लोगों को वीडियो बना सकते हैं, वीडियो 40-50 मिनट की, तो फिर आप लोगों को देखने में क्या दिक्कत हो रहा है? गलत है यार। चलो जितने हैं पढ़ने वाले उतने तो हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, कल्हाड़ी का ऊपरी भाग, इसीलिए मन नहीं करता फिर वीडियो बनाने का जब आप सपोर्ट नहीं करते हो। कल्हाड़ी का ऊपरी भाग, ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल का नाम क्या है? फेस रिंच, हुक रिंच, पिन रिंच, फेस पिन रिंच। 118 का, 118 का कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत ही बढ़िया तरीके से ए ऑप्शन, फेस रिंच एकदम सही आंसर हो जाएगा, फेस रिंच, ठीक है। चलिए
अखरोट का नाम क्या है? थंब नट, डोमेड निकप नट, हेक्सागोनल नट विथ कॉलर, चक नट। और यह क्वेश्चन प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, मैं फिर बोल रहा हूँ, इग्नोर करोगे आपको ही दिक्कत होगी मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, मेरे जेल, मेरे शेर, ठीक है। 2023 में पूछा गया था कम से कम 3-4 शिफ्ट में। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो जो साथी इसका लगा रहे हेक्सागोनल नट विथ कॉलर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है सी। कुंजी का नाम क्या है? परिपत्र टेपर कुंजी, समानांतर सेन कुंजी, जिब हेड की, वुड रफ कुंजी, क्या है बताइए जल्दी से। 129 का आप लोग कमेंट करेंगे, सी लगा रहे हैं कुछ लोग, जिब हेड की। तो सी आंसर क्या सही है बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को विरोध करता है? सोना, ग्लास, सिल्वर, कॉपर। तो विरोध कौन करेगा? तो वो है हमारा कांच। क्यों? क्योंकि कोई सा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा कांच के द्वारा नहीं होगा, सोना, चांदी, तांबा में होता है, लेकिन कांच में नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं की, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 75 क्वेश्चन मॉक टेस्ट, एम्प्लॉयबिलिटी वर्कशॉप, ईडी, थ्योरी, काफ़ी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए इसमें, 75 क्वेश्चन प्रीवियस के आधार पर। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इतना मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ठीक है। बस और आप लोगों से कुछ नहीं, बस प्यार सपोर्ट बनाए रखें। विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी सभी लोग कमेंट करें क्या मापा जाता है। अरे भाई साहब, वोल्टेज कहाँ से नापेंगे विद्युत सर्किट में एमीटर के द्वारा? ये कौन है, क्यों गलत क्वेश्चन कर रहे हो? करंट, बहुत बढ़िया, देखो आ गया सही, सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा जितने भी साथी लगा रहे हैं। और ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप के उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है करंट के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? जो कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर जो धारा को क्या करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है। ओम, वोल्टेज, फैरड, एम्पियर। कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? तो फैरड, कितने लोग गलत आंसर लगा रहे हैं? फैरड नहीं भाई, सही है, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए मैंने बोल दिया है, बिल्कुल सही प्यारे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन ही सही है, ठीक है। मैंने बोल दिया था, आप लोग पहके ना, ठीक है, अपनी को तैयारी पे भी थोड़ा मजबूत रखना है। कोई अगर गलत बताता है तो आप कह सकते हो उससे कि ये सही है हमारा। और एग्ज़ाम में आपको जो बगल में बैठे होंगे ना, वो कभी चाचा लोग पढ़ने नहीं गए होंगे, बिल्कुल कंपनी में काम कर रहे होंगे, आर्थिक स्थिति खराब रहती है, ठीक है, पढ़ाई नहीं, मैं मजबूरी समझता हूँ, लेकिन आप लोग जब समय मिले तो पढ़ाई करो। और बगल वाले से जो पढ़ने वाला, उसी से पूछना है एग्ज़ाम हो। उपकरण का नाम क्या है? हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, लॉक्टोमीटर, वेरोमीटर। चलिए कमेंट करिए, बिल्कुल सही, हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? हमेशा याद रखना, जो हमारी बैटरी होती है ना, उसकी रीडिंग लेने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर 1200 ऊपर चली जाएगी, 1180 तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और 1210 रहती है तो उसमें ठीक रहती है, गुड कंडीशन बैटरी, ये उसके लिए होता है। चलिए, किस तर्क गेट को इन्वर्टर कहा जाता है? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, बताइए किसको इन्वर्टर कहा जाता है? इन्वर्टर गेट एक ही है जिसको बोला जाता है, और बताओ। ऑप्शन है, लो मैंने दे दिया, नॉट और नॉर, बता दो, अब तो बता दो। नॉर नहीं है भाई मेरे प्यारे, डी नहीं, सी आंसर, नॉट गेट को
नॉट गेट को इन्वर्टर गेट कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? 2023 का लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, तो आ सकता है, चांस है इस क्वेश्चन के। चलिए क्वेश्चन है, किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है? कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंसुलेटर, कंडक्टर। 173 का आप लोग कमेंट करेंगे, 173 का आप लोग कमेंट करेंगे। कितना लगा रहे हो? ए कैपेसिटर, बिल्कुल सही, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, आवेश को संग्रहित करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? रासायनिक ऊर्जा, चार्जिंग के दौरान रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में। तो चार्जिंग के दौरान जो होता है केमिकल ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा आती है, ठीक है, चार्जिंग के दौरान, और जब चार्जिंग के दौरान मतलब चार्जिंग के बाद केमिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी बातों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कभी भी काम आ जाएंगी। चलिए, लीड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे। 177 का बी ऑप्शन लगा रहे हैं, बी सल्फ्यूरिक एसिड, जितने भी लोग लगा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बी वाले राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई साहब, 2022 का, 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी ना फरवरी में आप लोगों की, जो मतलब आपके सीनियर, उसमें भी ये पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ही भेजा है, इसका नाम क्या है, डायोड, स्विच, बैटरी, ट्रांजिस्टर, तो ये किसका है बताइए, डायोड का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जितने भी ट्रेनी ए लगा रहे हैं ए वाले सही हो जाएंगे। विद्युत प्रतीक का नाम क्या, कुछ लोग देखेंगे प्लस माइनस है भाई, ठीक है, सेल बैटरी पृथ्वी क्या है, प्रतिरोध है बताइए, तो बिल्कुल सही, प्लस माइनस है तो बैटरी हो जाएगी, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसलिंग गैस सिलेंडर का रंग क्या है, किस तरीके से होता है एसिटिलीन गैस का सिलेंडर, काला या महरूम बताइए, काला या महरूम, कितने लोग सी लगा रहे हैं, सी वाले का सही है गलत है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा सर जी बताइए, तो फिर वो हो जाएगा महरूम, कैसा होता है महरूम, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग क्या है, लाल, मेहरून, काला, मोरपंख नीला, अगर आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो एम्बुलेंस में देखा होगा किस तरीके का रंग रहता है, उसका कलर कैसा होता है, जो मरीज होता है ना पेशेंट, उसके ना मुंह में लगा रहता है, अच्छा ब्लैक होता है, हाँ देखो बहुत बढ़िया आंसर अभी आ गया, ब्लैक वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, जितने लोग बी आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चाहने वालों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, वो भी इस वीडियो का एंजॉय कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड लाइन के साथ इलेक्ट्रोड कोड क्या है, 70 से 80, 50 से 60, 45 50, 35 40 डिग्री, कितना है, 212 का सही है ए ऑप्शन, 70 से 80 डिग्री इज द राइट आंसर, जो हो जाएगा ऑप्शन निमी का ए ऑप्शन, ए ऑप्शन वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो विद्युत आर्क वेल्डिंग की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा कर रहा है, हेलमेट, लेदर स्क्रीन, लेदर वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन, तो कौन सा कर रहा है? जल्दी से राइट ऑप्शन आ भी गया है, वेल्डिंग हेड वो हेलमेट स्क्रीन इज द राइट आंसर, डी। डी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेटिलीन गैस कनेक्शन रिसाव परीक्षण के लिए किस समाधान का उपयोग किया था? मिट्टी तेल, नंगी आग, साबुन का पानी, ताज़ा पानी, बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन 216 का साबुन का पानी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जितने भी साथी सी लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु पट्टू में किस प्रकार का हार्डिंग इस्तेमाल किया हुआ करंट होता है? फ्लेम हार्डिंग, नाइट्राइडिंग हार्डिंग, इंडक्शन हार्डिंग, एनलिंग हार्डिंग। चलिए इसके बाद दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हमारे थ्योरी के जो 38 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए कमेंट करिए, जितने भी साथी हैं जल्दी से कमेंट करेंगे। तो सी ऑप्शन लगा रहे हैं, सी इंडक्शन हार्डिंग, जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2023 में आया था, ठीक है। तो चांस है इसके, इसलिए मैंने लिया है इसको। के रूप में चिन्हित भाग को बताना, इसको क्या कहते हैं एक्स के रूप में चिन्हित भाग को, इस वाले को, नोजल है, हेडर, ऑक्सीजन नियंत्रण बल्ब, एसेटिलीन नियंत्रण बल्ब। 225 का आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी। ऑक्सीजन नियंत्रण बल्ब इज द राइट आंसर, इसका सी लगा दीजिए, जल्दी से को लॉक कर दीजिए सी, ठीक है सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का, इसके बाद क्या है वर्कशॉप कैलकुलेशन है। गर्मी उपचार प्रक्रिया कौन सी है? ढलाई, मशीनिंग, वेल्डिंग, एनिलिंग, चलिए बताइए जल्दी, सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, जो साथी इसका लगा रहे एनिलिंग, एक मिनट एक मिनट, एनिलिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इन 38 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन, कमेंट करेंगे। वर्कशॉप 6 क्वेश्चन है, 6 × 2 = 12 नंबर के, ठीक है। यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इकाइयों की प्रणाली के 2 वर्गीकरण क्या हैं? ब्रिटिश और मैट्रिक, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, मौलिक और विद्युत, मैट्रिक और अंतर्राष्ट्रीय, जल्दी सभी लोग कमेंट करिए फटाफट। वर्कशॉप कर लो पहला क्वेश्चन, तो पहले का ही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मौलिक और व्युत्पन्न, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर का अर्थ क्या है? मील, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोफोन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही, मीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, बी ऑप्शन वाले कितने लोग हैं? बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुपात की परिभाषा क्या है? एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध, विभिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध, दो अनुपातों के बीच समानता, दो अनुपातों के बीच असमानता, चलिए बताइए सभी लोग फटाफट फटाफट, सभी साथी कमेंट करेंगे तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ए वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है और ट्रिपल एक्स चलता है इसमें, क्या चलता है? ट्रिपलेट, इसमें ट्रिपलेट चलता है, 10 है, 10 का आधा 5, 6 है, 6 का आधा 3, 8 है, आध का 8 का आधा 4, तो यहाँ पर जो ए और बी का जो मान होगा वो 8 आएगा, तो तभी ट्रिपलेट हमारा बनेगा कब? 3,
चार और पाँच, ये हमारा ट्रिपलेट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आठ को देखना कहाँ पर है, ए ऑप्शन में, काफ़ी लोग ए ऑप्शन लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इनमें से अधातु कौन सी है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेफाइट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है वर्कशॉप का। विद्युत लैंप पे फिलामेंट के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट, वेनेडियम, टंगस्टन, सिलिकॉन। चलिए जल्दी से सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में, टंगस्टन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उपकरण का नाम पहचाने, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बढ़ई की गुनिया। क्या ये आपको ईमानदारी से रखना, ठीक है, यहाँ से हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। इसको क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज को, विषमबाहु या समकोण, तो ये समकोण त्रिभुज है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगर आएगा तो, ए फोर का ट्रिम साइज मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग कम से कम 10 वीडियो बनाई है, वो आप हमारे चैनल पे जाएं वीडियो सेक्शन में, उन वीडियो को देख के कर लेना, ठीक है। चलिए तो राइट ऑप्शन 210 × 297 ए ऑप्शन इसका सही था। और कमेंट जरूर करना है कितना आपका स्कोर हुआ, मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है, तो डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, हैमर का नाम क्या है, तो इसके ऊपर बॉल जैसी है तो बॉल पिन हैमर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 75 में से सभी को कमेंट भी करना कितना स्कोर आया। ये क्या है, कौन सी सामग्री है, कांच, ठोस, लकड़ी, इस्पात, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ठोस। क्या है, कॉन्क्रीट, डी बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब यहाँ से एक मिनट, चलिए अब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को शुरुआत, तो 25 क्वेश्चन होंगे इसमें, कितने 25 क्वेश्चन, अच्छे से देखेंगे और इस वीडियो को जितना हो सके एक बार शेयर जरूर कर दें, ठीक है, काफ़ी लोग और जुड़ सकें, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको करवाया, सबसे पहले थ्योरी, फिर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग, फिर इसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार कौशल नहीं है, अच्छा धावक, अच्छे गुड इंटरव्यू स्किल, हिंदी में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्विक लर्निंग। चलिए कमेंट करिए फटाफट, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। और यह क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको, 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करिए, तो काफ़ी स्टूडेंट आंसर लगा रहे हैं, अच्छा धावक, गुड रनर इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा, ए वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे कैरियर विकास के लिए कौन से दो कौशल आवश्यक हैं, मतलब हमें ये बताना है इनमें से कौन से दो कौशल हैं, यानी कि स्किल हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। गायन है या और नहीं भी है, नृत्य है और नहीं भी है, गार्डनिंग ये भी एक देखा जाए है या नहीं, लेकिन तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल इज द राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग किए हो इसका आंसर, उम्मीद है आप लोग आगे भी ऐसे ही देंगे आंसर को आंसर। चलिए रोजगार कौशल का अर्थ क्या है, यानी दी मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर, स्किल टू गेट ए जॉब या नौकरी पाने के लिए कौशल है, स्किल टू वी ए गॉड एम्प्लॉय, कौशल एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए, रोजगार कौशल का अर्थ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है मीनिंग, वो स्किल टू बी ए गॉड एम्प्लॉय, बी ऑप्शन मुझे इसका सही लग रहा है, मुझे इसका बी ऑप्शन सही लग रहा है, क्या राइट आंसर है, तो डी बी आंसर एकदम
सही आंसर हो जाए। और इसका क्या लगाया था आप लोगों ने, तीसरे का डी, बहुत बढ़िया। चलिए ये भी हो चुका, अब देखते हैं आगे। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं, जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या है, एक ऑनलाइन है, ठीक है, समझ जाओ इसी से, तो उसे क्या कहते हैं, इसको हम अनलर्निंग बोलेंगे। अनलर्निंग ऐसे क्यों बोलेंगे भाई, टीचिंग तो कह सकते हैं, लेकिन टीचिंग वो होता है जो टीचर पढ़ाता है। ई लर्निंग या फिर मार्केटिंग, बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, ई लर्निंग वाले सभी साथी गलत नहीं, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और कह सकते हैं 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। इनमें से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है, रोजगार पूछा है, फेसबुक जो है सोशल मीडिया है जिस पे हम अपना किसी भी चीज़ से चैट कर सकते हैं, फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ये क्या है, फेसबुक है। भारत स्किल क्या है, एक कह सकते हैं रोजगार कौशल पोर्टल है, और नेटफ्लिक्स भी एक मनोरंजन है, हॉटस्टार भी एक मनोरंजन ऐप्स वगैरह हैं, ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, भारत स्किल, तो इसका राइट ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। बी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक किसी दो 25 में से 25 आने चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी में ध्यान रखना है। नौकरियाँ प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण को, ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ग्रीन या बढ़ई यानी कारपेंटर। पर्यावरण को कौन करेगा, सॉफ्टवेयर हमारे करेंगे, हार्डवेयर करेंगे, नहीं, ग्रीन, बिल्कुल सही, जो साथी इसका लगा रहे हैं सी ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोग लगा रहे हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए आंसर देते चलिए आप लोग, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलिए, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा खाली स्थान बनाने में मदद करती है, गेम्स यानी खेल, व्यवहार, अध्ययन करते हैं, किराया, बताइए, सभी लोग कमेंट करिए फटाफट। तो जितने भी साथी इसका लगा रहे हैं, बिहेवियर यानी कि व्यवहार इज द राइट आंसर बी, इसका भी बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन जो है 2022 में फरवरी में भी पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया है। 2022 में जो 21 फरवरी को पूछा गया था और ये जो 2023 में, ये देखिए मेरे पास डेट भी लिखी हुई है, 2023 में ये कब पूछा गया था, 18 अगस्त को, कब, 18 अगस्त को पूछा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है, तो सीधी सी बात है, संदेश तो हम सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, ग्रीटिंग भी कर सकते हैं, सॉन्ग भी भेज सकते हैं, लेकिन फेक न्यूज नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए वाले जितने भी साथी हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए, ठीक है, ए वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जो व्यक्ति किसी देश का कानून का सम्मान करता है, जैसे कि अमेरिका वाले हमारे देश का सम्मान करते हैं और उसका पालन भी करते हैं, तो वह होता है एक व्यापारिक व्यक्ति हो जाएगा, क्या बिजनेसमैन पर्सन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये सोच गलत हो जाएगी। बैड एम्प्लॉय, बिल्कुल गलत, बैड एम्प्लॉय तो किसी देश के बारे में अच्छा चाहेगा ही नहीं, जैसे कि हमारा कौन, कुत्ता यानी पाकिस्तान, ठीक है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन जिम्मेदार नागरिक होगा, पाकिस्तान कभी भी हमारे देश के प्रति जिम्मेदार होगा ही नहीं, ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है भारत का, उस संविधान को क्या कहा जाता है, भारतीय अकादमी कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे,
उपन्यास क्या उसको संविधान को कह सकते हैं? तो आप आसानी से कह सकते हो नहीं साहब। उसको हम क्यों बोलेंगे? वो हमारा भारतीय संविधान है, ये हमारा हक है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। चलिए कमेंट करिए, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान हमारे देश के खालिस्तान का एक समूह है। कानून और नियम या फिर कीज, टूल्स, बाज, क्या है? चलिए कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। आंसर का वेट हो रहा है आप लोगों का। कानून और नियम ए ऑप्शन लगा भी दिए हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बचते हैं, वह खालिस्तान अनुसरण कर रहा है किसका? हरी जीवन शैली का या फिर मॉडर्न लाइफ स्टाइल का, बिजी लाइफ स्टाइल का या फिर नन? कोई नहीं, तो कोई नहीं क्या इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वह कौन सा कर रहा है? बिल्कुल सही, मेरे आंसर पे मत जाइए, ग्रीन लाइफ स्टाइल। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कौशलों का नियमित मूल्यांकन खालिस्तान की वृद्धि के लिए आवश्यक है। आजीविका, इंटरव्यू, जॉब, स्किल। तो सीधी सी बात है, अगर कौशल को नियमित मूल्यांकन वृद्धि के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसकी जो वो होती है ना, क्या, आजीविका यानी कैरियर, उसके लिए ठीक है मूल्यांकन करना चाहिए। आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? ताकत है, है, कमजोरी है, है, मान्यताएं यानी बिलीफ्स हैं, है, त्वचा के रंग, यही नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक विकल्पों में से चुनाव करना है, उस प्रक्रिया रूप में जानना है। जब दो विकल्प हो तो हम क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेंगे। साइंटिफिस्टिक बन जाएंगे? नहीं। टेक्निकल करेंगे? नहीं। तो हम निर्णय ले लेंगे, क्या करेंगे? निर्णय। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, समय प्रबंधन के लाभ हैं। कार्यों को समय पर पूरा करें, दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करें, तनाव को कम करें या फिर इन सब में यानी सभी। 21 का कमेंट करेंगे, 21 का डी आंसर लगा रहे हैं साथी लोग, डी। क्या ये सही है? डी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए, कार्य समय के ब्लॉक को खालिस्तान तकनीकी कहा जाता है, डोरो, पोमो, टोमोडोरो, डेडोमो। 23 का कमेंट करिए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे 23 का। डी नहीं, सी आंसर इसका भी सही हो जाएगा, पोमोडोरो। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अब देखो, मैं एक बता दूं आपको यहाँ पे, ये तो सी आंसर हो ही गया। ये क्वेश्चन 2023 में भर भर के पूछा गया था, तो इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आएगा 2024 में, मैं बोल रहा हूँ। निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट की सहायता के बिना किया जाता है? पाक कला, ऑनलाइन जॉब सर्च करना, वीडियो देखना, डिजिटल रिज्यूमे बनाना, बता। तीसरे का वो है कुकिंग। कहीं आगे देखने की जरूरत नहीं है भाई, कुकिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक हिस्सा नहीं है? मॉनिटर, एंटीना, वेब कैमरा, माउस। चलिए जल्दी से कमेंट करिए 6 नंबर का। और ये क्वेश्चन भी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन है,
मैं बोला ना इसमें जो आपको सीरियल नहीं मिल रहे हैं वो इसीलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मैंने छांट के उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो 22 में 23 में पूछे गए हैं और हो सकता है 24 में आ जाए। ठीक है, और अगर आपका प्यार अच्छा रहा तो रोज 75 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिलेगा ऐसे ही। चलिए, 6 का बी एंटीना नहीं है, एंटीना इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सीपीयू का अर्थ क्या है? कॉस्ट पर यूनिट सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कटिंग पावर यूनिट। देखो अब बताओ ये भाई, पता नहीं क्या यार गांजा वांजा पी के आए हो क्या, ऐसे आंसर दे रहे हो। कितना सरल क्वेश्चन है यार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, एकदम ऐसे थोड़ी देखा और लगा दिया, ऐसे नहीं यार, जैसे थोड़ा सोच समझ के अच्छे से आंसर दो। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? जैसे कि जिससे कि वो पूरा कार्यवार करता है, हमारा कंप्यूटर जिससे पूरा चलता है, किसको कहते हैं? वेब कैमरा जो होता है ना, वो होता है, कैप्चर करता है वीडियो वगैरह, हमारे स्कैन वगैरह करता है चेहरे की। ट्रैक पैड है, मॉनिटर है जिसमें हम सारा कुछ देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का जो सीपीयू जो होता है ना वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी। आगे देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते समय पावर बटन आमतौर पर कहाँ मौजूद होता है? बोर्ड पर, सीपीयू पर, स्पीकर पर, माउस पर, किस पर होता है बताइए, कमेंट करिए। सीपीयू पर, ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सीपीयू, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटर को बंद करने के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द? लटकाओगे नहीं, स्विच ऑन करोगे नहीं, शट डाउन बिजली, तो शट डाउन सीधी सी बात, हटाओ वाला खेल खत्म करो, पैसा हजम करो, क्या बात है, शट डाउन बंद का बोला ना, तो इसलिए राइट ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रिंटर, एमएस ऑफिस, राउटर, विंडोज, कौन सा है? सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे, 17 नंबर का कमेंट करिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विंडोज इज द राइट आंसर हो जाएगा, विंडोज डी। ठीक है, चलिए तो इसका आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, जैसे मैं कि हर बार बोलता हूँ OS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, जो भी है मैं आपको 50 दे रहा हूँ, एक बार लो, ए और बी में से कोई एक है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे चाहने वाले, मेरे शेर जावाज दिलेर एकदम खतरनाक, क्या क्या बोलूँ आपको, ठीक है, शेयर कर देना अपने यार दोस्त चाहने वाले को, अपने लगाव वालों को, ठीक है, शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना, उनको भी जोड़ो, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी, आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे जब भी एग्ज़ाम होगी, ठीक है, अपडेट आपको देता रहूँगा। और वीडियो कैसी लगी, ख़राब अच्छी, वो भी हमें बताना है, और मेहनत आपके लिए करूँगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, जितना मुझे टाइम मिलता है मेरी जॉब के बाद, मतलब कह सकते हैं इस ट्रेनिंग के बाद, अभी मेरी अप्रेंटिसशिप चल रही है रेलवे में, तो एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, एक बढ़िया सी फुल, ठीक है, सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर प्रेस रखो, ऑल पर प्रेस रखो तो वीडियो मिल जाएगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।